यार छोड़ दोगे तो भाई हो क्या हो नहीं यार, जाएगा मैं लंच ट्रिप आना है यार, ऊपर मकान लंच, जाना आज है। यहीं पे लिखा हुआ है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है पहले बहन भैया, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जा भी रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुसाते हैं, पोलो की तरह। तो हमें चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सुबह सुबह हो चुकी है, तो अब चलते हैं अम्मी की तरफ, अम्मी देखते हैं क्या बना रही है। चाय हमारी होने वाली है। ये देखे जग भी लाता है, ये प्यान है, और कोक ये भी लाता है, और बॉटल और लाता है। रेडी होने वाले, रेडी हो जाए। मेहरान भी आ गया बिस्किट लेके। ये चाय के साथ खाऊंगा जी। चाय के साथ जी? ठीक है, चाय पकने वाली है थोड़ी सी देर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंस कर मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मेरी बेटी जो है वो बना रही है चाय, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो जैसे जैसे भी हम ये काम करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जी आप पापे दे रहे हैं रैनब को। ये भी दे दिए, ये चाय भी है, और ये मेरा बिस्किट। ये चाय भी रह जी। बहन भाई गालियां दे रहे थे कि ये चूजा कोई खिलौना है, ये एक एक चूजा है, ये मर जाएगा फिर गुनाह हो गए। ये ऐसे नहीं देखे जी, जीना जीना है। हम इसका अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसे ना? हाँ जी। मैंने झाड़ू दिया है और चाय भी बनाई है, तो मेरे को अभी अभी उठाई है मम्मी ने। मैं सोया हुआ था तो अभी उठाया है। तो चलते हैं, तो फिर दूध भी लेते हैं और शैम्पू भी लेते हैं। किसी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला से औलाद दे तो बीमार हैं, अल्लाह ताला शिफा दे तो हस्पताल में हैं, तो बीमार हैं, अल्लाह ताला शिफा दे तो इसको ठीक है। आप चलते हैं तो दूध लेते हैं, दूध लेके दूध भी लेंगे, शैम्पू भी लेंगे, और बस फिर आपको दिखाएंगे ठीक हो गया। अब फिर पास आएंगे घर। लेकिन ये दूध ले आए हैं, तो ये है शैम्पू। तो ये शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो अब नाना है तो कपड़े चेंज करनी है, तो इसलिए शैम्पू ले आया हूँ, और नाल दूध भी ले आया हूँ। तो दूध खाला भी देते हैं, फिर अम्मी को भी देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ठीक हो गया। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें लोगों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, सबको शेयर भी मारा करो, शेयर भी किया करो। तो इसलिए हम बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए मैं हर टाइम कहते रहता हूँ शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें। बस 12,000 करवा दे इंशाल्लाह, हम पार्टी करेंगे तो आपको दिखाते हैं ठीक है। देखिए इस आवाज़ आके आवाज़ कैसी गुड़ रही है, ठंडी ठंडी सुबह सुबह आवाज़ चलती है बहुत बहुत अच्छी। तो ये देखें जी हवा कैसे चल रही है, गर्मी अब मशरूम नहीं हो रही। तो फिर पहले ये देखें जी हम जा रहे हैं वापसी घर। तो ये देखें जी मौसम कैसी चल रही है। ये जी अम्मी बना रही है रोटी। तो ये देखें जी
रोटी बना रही है। सुबह नहीं बनाया सुबह सुबह? नहीं, सुबह सुबह मेरी तबीयत खराब थी, ब्लड प्रेशर का मसला था तो मैं सो गई थी। अभी जो है मैं कोई तबीयत बेहतर लगी तो मैंने सोचा बच्चों के लिए खाना बना लो। ये देखिए बन जाएगी फिर खाएंगे। यही देखें दोनों दोनों क्या हुआ उठाया हुआ है, ये क्या है? क्या मेकअप कुआर बन रही हो? ये देखें जी दोनों को चेक करें दोनों को। रली क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो, क्या कर रहे हो? खेल है, ये देखिए नीचे बैठा है तो खेल है, सुबह सुबह नीचे बैठ खेलता है। तो ये देखें जी, जी तो प्यारे बहन भाइयों अकरम खान ने बुलाया है, देखो कह रहा है कोई काम है आओ मेरे घर, तो मैं उसके घर जा रहा हूँ, देखते हैं क्या मामला है, क्या काम है, वो वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा अभी क्या बात है। ठीक है जी, ये रहा जी अकरम खान का गेट, इसको नॉक करेंगे और चलेंगे अंदर। ये जी अकरम भाई बैठे हैं जी, इनको मिलते हैं भाई, क्या मामलात हैं, क्या कहना है जनाब, कौन सा काम है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अकरम भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? राधी पादी बिल्कुल जी। भाई हुक्म करें क्या काम है? काम ये है भाई, ये अपना कमरा जो है ना इधर तोड़े बजा भाई, ये मैंने दीवार सारी तोड़नी है, इतने मेरी आई हुई हैं, सही है, इतने मेरी आई हुई हैं, मिस्त्री जो है वो आने वाले हैं, सही है, ये कमरा खोड़ो और मैंने नीचे जो है ना लेंटर पाना है। ये भाई अगर आपके प्लाट में मुझे दिखाएं, आपके प्लाट में है मेरे प्लाट नहीं, आके दिखाएं ना, है मेरे प्लाट में देख ले, ये मेरे कमरे की दीवार में लगा हुआ है, आपने अपनी दीवार दी है देख, ये मेरे कमरे के है ना, ये मेरे कमरे के है ना दाढ़े, इसमें आपने ये कमरा लगा दिया, अपनी दीवार आपने लगाई है, ये अभी मैंने लेंटर भाई डालना है, इधर लेंटर डालना है तो इस साइड पे मैं कैसे ये छोड़ दूँ 2 फुट जगह? यार छोड़ दोगे तो भाई हो क्या हो जाएगा यार, मैं लेंटर पाना है यार, ऊपर मकान जाना है, यहीं पे लिखा हुआ है यहीं पे पाना है यार, ये मुकम्मल जाना है आगे तक भाई। कितना यार हिस्सा मकान का है, वो इतने जज्बाती हो रहे हो भाई, ऐसे आगे करके बना लो बस, आंखों का नुकसान करूँ मैं अपने मकान पट कर। भाई मैंने आपको पहले कहा था अपनी खुद दीवार दो, आपने मेरे कमरे में अटैच किया यार, पहले मैंने आपको कहा था कि आपके मकान की दीवार एक साइड शुमाली साइड से टच कर दूं, वहां पे दूसरी ना दूं, तो मैंने 3 दीवारों का कमरा बनाया बड़ा, अगर वही बड़ा कमरा 1,20,000 मैंने खर्च, इधर आपका कमरा होता हाँ इधर इसके बराबर होता, फिर भी मैंने इससे आगे लेंटर पाना था, पीछे तो मेरे मकान में लेंटर है, इससे आगे डालना था, तुमने आपने ये कमरा जो बढ़ाया है आगे, ये इधर इस जगह पे मैं क्या करूँ, आपको पता है इधर रेत है यार, जब मकान की दीवार ही देनी नहीं देनी थी तो तुम्हारे हिसाब से रहना था, अब टाइम दे दो बस, गुस्सा क्यों हो रहा है? टाइम शैम नहीं है भैया, आप भी उखाड़ो यार, ईद के बाद ना हमने यार वैसे ईद बहुत दूर है, मिस्त्री आए हुए हैं, मैंने इट्टे मंगाई हुई हैं यार, मेहरबानी कर भाई, 20 से 22 दिन रह गए सिर्फ, ये ईद तक बोला तो उखाड़ेंगे, उखाड़ना भी है ईद के बाद तक उखाड़ेंगे, नहीं अभी उखाड़ो। ये क्या बात हुई यार, आप भाई मिस्त्री आए हुए हैं, मैं क्या जवाब दूं मिस्त्रों को, ये जगह सेंटर में 2 फुट छोड़ के बाकी लेंटर डालो, वो लेंटर तो नहीं होगा यार, वो जब तक अहमद का काम करते हैं मुझे दे देना टाइम, भाई उखाड़ोगे आपको कौन सा एक दिन में उखाड़ लोगे भाई, अभी क्यों उखाड़े, अब टाइम देना पड़ता है ना, चलो 10-12 दिन 20 दिन दे, दीवार उखाड़नी है, ये सारी गली पड़ी है देख लें, वो गली पड़ी है मुझे पता है, ये उखाड़नी है, इतने आपके सामने आई हुए हैं, कल की ट्राली आई हुई है, मैंने इसलिए बुलाया है कि ये जो है ना अपने उखाड़ो। मेरे भाई एकदम से अभी से कह रहे उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो, ये तो झगड़ा बढ़ा रहे हो ना, 18-20-22 दिन रह गए ईद को, ईद के बाद हम वैसे नहीं उखाड़ना है, आपने उखाड़ना है तो बाद 20 दिन बाद उखाड़ना है, तो मैं 20 दिन क्या करूँ बैठा रहूँ? अच्छा यार तू जो मर्जी कर ठीक है ना, मैं नहीं कमरा तोड़ना, उखाड़ोगे ना, मैं कमरा नहीं तोड़ूंगा, क्यों लाखों नुकसान करूं मैं अपना, जो करना है कर लो, चलो फिर मैं दिखाता हूं तमाशा आपको, मैं नहीं उखाड़ता, मैं तमाशा दिखाऊंगा आपको, यार सोच लो कोई दिन दे दो, सोच लो ठीक है ना, कोई दिन नहीं है, ये उखाड़ना है तो अभी उखाड़ो, आपके पास ये अभी मैं नहीं उखाड़ूंगा, अगर तुमने उखाड़ के दिखाना है तो उखाड़ के दिखा दे, तो कैसे उखाड़ता है ठीक है,
चल जाल शुरू कर दे, उखाड़ 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 दे कोई बात नहीं, मैं नहीं उखाड़ने वाला, आज जो करना कर ले, देखेंगे फिर। या मेरे डंडे ना मारे ना तुझे, ना नहीं याद आएगी तुम्हारी धमकी नहीं दो, बंदूक की तरह कह रहा हूँ, बंदूक की तरह बद्दू वाली बात करो, ये गद्दू वाली बात करने शुरू कर देते हो तुम, बदतमीज इंतहाई बदतमीज आदमी हो तुम, दीवार लगाओ। ये तो प्यारे बहन भाइयों इसका जो है अकरम खान का काम देखें, मैंने जब मकान बनाने लगा था तो मैंने तो कहा था कि आपकी दीवार लगी रहने दो, जो मैं अलग से लगाऊँ, तो हो सकता है इसने कह दिया कि मेरे मकान की दीवार ही रहने दो, फिर मैंने तीन दीवारें करके कमरा जो है वो बना दिया। अब जो है 16-6 साल बाद कह रहा है जनाब ये जो है कमरा उखाड़ो। अब मैं कमरा कैसे उखाड़ा, अगर उखाड़ूँ भी तो कुछ टाइम मांग रहा है, टाइम ही नहीं दे रहा, कहते अभी उखाड़ता हूँ अभी उखाड़ता हूँ, ये तो सही बात नहीं है ना। आप मशवरा दें, उसको मशवरा दें कि वो जो है मुझे टाइम दे दे, जैसे मैंने कहा है 20-22 दिन, ईद के बाद हम कमरा उखाड़ देंगे, लेकिन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं अभी उखाड़ो। तो देखता हूँ मैं कैसे ये उखड़वाता है या कैसे उखाड़ता हूँ मैं तो नहीं उखाड़ने वाला आप।